बहराइच के भगवानपुर गांव निवासी कक्षा 8 की छात्रा 2 दिन पूर्व खेत घास काटने के लिए गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं पहुंची। शनिवार शाम को उसका शव नहर में मिला। पिता ने हत्या का आरोप लगाया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रूपईडीहा थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी 13 वर्षीय किशोरी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा थी। वह 2 दिन पूर्व खेत घास काटने की बात कहते हुए घर से निकली थी। शाम तक वह वापस घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। शनिवार शाम को तीसरे दिन छात्रा का शव नहर में औंधे मुंह पड़ा मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पाकर थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह व पुलिस चौकी इंचार्ज बाबागंज राम गोविंद वर्मा ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। बहराइच से आरके शर्मा की रिपोर्ट। और जाकर देखे हैं, खेत में धान वान सब टूटा पड़ा है, लकड़ी भी पड़ी है। अच्छा, वो आपका खेत है जहाँ धान टूटा पड़ा? हाँ, हमारा बटैया है, गंगाराम के लिए हम। अच्छा अच्छा, तो धान टूटा पड़ा है उस जगह? हाँ, धान टूटा पड़ा है दोनों कोन में, दोनों खेत में। अच्छा, लकड़ी कहाँ पड़ी है? लकड़ी उखे 2 कदम आगे 4 कदम पड़ी है। क्या आप क्या अंदाजा लगाते हैं, क्या आशंका लगा सकते हैं, कहाँ लड़की गई होगी, कैसे क्या कुछ? अब कैसे बता दें भैया, देखा नहीं है तो मतलब ढूंढने। कब गई थी घास? कल घास को गई थी? कितनी टाइम? 2 बजे घास काटने गई थी। कब तक नहीं लौटी? शाम तक। आपको कब पता चला? हम काबल था, कहीं तरह के मैंने जब खेत गए हेल ढूंढ के गए। हाँ, तो हम कहीं कि मैंने काबल था आवत ना हुई, चली आओ तो ही रोजे। हाँ, साथे जाइत रहा हुई, अकेले कहूँ चली जाता है तो साथे चली जाइत रहा है। हाँ, और वो खेत पात रहा है मार। अच्छा अच्छा, तो कब आप लोग फिर देखने गई दोबारा? तो हम काबल था तनिया उर्वे बसन चले। शाम को गई? शाम तक ढूंढा? कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में पता लगाया सब जगह? लगाया, कहीं नहीं मिली।